फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमें रिवीजन कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैडम रिवीजन करने का सही तरीका समझाइए। तो रिवीजन, चाहे वो 8 स्टैंडर्ड से लेके 12 स्टैंडर्ड तक कोई भी बच्चा हो, कोई भी मीडियम का हो, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, रिवीजन करने का पैटर्न एक ही रहता है। तो चलो देखते हैं कि रिवीजन, देखिए वर्ड ही हमें बताता है, री मतलब कि अगेन, विजन मतलब कि एक अलग नजरिए से चीज को देखना। जो चीज हमने 12 महीने पढ़ी हुई है उस चीज को हम क्विकली किस तरह से गो थ्रू करें, जिससे कि फटाफट वो सारी चीज हमारे ब्रेन स्क्रीन पे आ जाए और हमें जल्दी से याद हो जाए। तो आप सब्जेक्ट्स को दो तरीके में बांट सकते हो, थियोरी सब्जेक्ट ले लो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लो। थियोरी सब्जेक्ट मतलब आप क्या कह सकते हो, आपका इकोनॉमिक्स है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या ऑर्गेनाइजेशन है, एसएस है, जैसे कि 10th स्टैंडर्ड की बात करें तो एसपीसीसी है, आपके साथ साथ फिलोसॉफी होता है, लॉजिक होता है, तो ये सारे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उसको करने के लिए आपने अब तक स्टिकी नोट्स बना दिए होंगे। नहीं बनाए हैं तो जब आप अभी रिवीजन कर रहे हो, फटाफट छोटे से स्टिकी नोट में ही ओनली पॉइंट्स आपको लिखने हैं। टॉपिक को हाईलाइट करो एंड ड्रॉ द फिगर्स। सारे क्वेश्चन में जो भी 5 मार्क के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें फिगर्स आते हैं, थोड़ा बहुत कुछ ड्रॉ करने का है, प्रेजेंटेशन आता है, तो वो आपका 2 शीट बना हुआ होना चाहिए जिसमें सिर्फ आप फिगर ड्रॉ कर रहे हो कि ये क्वेश्चन का ये फिगर, ये क्वेश्चन का ये फिगर, तो वो आपका ऑलरेडी किया हुआ तैयार होना चाहिए। टॉपिक और उसके हाइलाइटिंग फिगर्स आपको करना है, टॉपिक में सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करना है, मेमोराइज टू द पॉइंट। अभी वो टाइम नहीं रहा कि हम सारी चीजें लंबी लंबी पढ़े, लंबे लंबे सेंटेंसेस मेमोराइज करें, अभी आपको सिर्फ पॉइंट्स को मेमोराइज करना है। 1 or 2 chapters पर डे ऑफ 2 subjects, आपको दिन के 2 chapters और 2 subjects के करने हैं। कई बच्चे इस तरह से करते हैं कि चलो 4 दिन मैथ्स कर दिया, बाद में वो मैथ्स लेंगे ही नहीं क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट्स चलते 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 तो एग्जाम आ जाएगी, तो मैथ्स किया और एग्जाम आई उसके बीच में कितना लंबा टाइम हो गया। तो वैसे रिविजन नहीं होता है, रोटेशन में आपको हर एक सब्जेक्ट को करना रहता है। तो 1 या 2 chapters करो पर डे ऑफ 2 theory subjects। पिक ओनली वर्ड्स, आपको सिर्फ पैराग्राफ में या आंसर में कितने मेन वर्ड्स है उसे हाइलाइटर से हाईलाइट करके याद रखने हैं, स्टिकी नोट्स में लिखे हुए हैं उसे याद रखने हैं, उसे मेमोराइज करना है। यूज टेक्स्ट बुक इज द कॉमन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर एवरी टीचर्स, दोस हु आर गोइंग टू असेस योर पेपर। तो टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करो, उसकी लैंग्वेज, उसके पॉइंट्स, उसकी सीक्वेंस, उसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर उसी तरह से मेंटेन करो। नो नीड टू राइट मैनी सैम्पल पेपर्स, आई से मैनी, एक लिखो, हर सब्जेक्ट का सिर्फ एक लिखो, और वो भी लिखो तो ध्यान रखो कि 2 घंटे और 50 मिनट में आपका वो पेपर खत्म होना चाहिए। 10 मिनट तो आपको उस पेपर को देखने में, अंडरलाइन करने में, वापस से एक बार नजर लगाने में चाहिए, स्टिकर विकर लगाना है, प्रॉपरली उसे तैयार करना है, तो प्रेजेंटेशन में आपको 10 मिनट चाहिए, तो आपका 2.50 का टारगेट होना चाहिए। अभी बात करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स मतलब अकाउंट, स्टैट ले लो, मैथ्स ले लो, साइंस ले लो, साइंस के सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इस तरह से, तो इसे कैसे तैयार करना है, गो थ्रू इलस्ट्रेशंस, आई से गो थ्रू। अभी बैठ के करने का टाइम नहीं है, ऑलरेडी सॉल्व आंसर है, उसे देखो समझो कि हाँ भाई इस तरह से यहाँ पे पॉइंट लिया, यहाँ पे लिखा, इस तरह से कैलकुलेशंस हुए और ऐसे वो किया जाता है, तो वो मेथड आपके दिमाग में आ जाएगी और आपको ध्यान रहेगा। जिस जिस चीज के स्पेसिमेंट्स है उसे बराबर देख लो, एक नजर स्पेसिमेंट पे डालो ही डालो ताकि आप एग्जाम में गलती ना करो। सॉल्व एनी 1 or 2 questions और प्रॉब्लम्स ऑफ एनी 3 chapters। कोई भी 3 chapters के
दो तीन क्वेश्चंस आपको करने हैं, दूसरे दिन दूसरे तीन चैप्टर के दूसरे क्वेश्चन, डोंट रिपीट दोज थिंग्स अगेन एंड अगेन जो कि आपको आती है। नॉर्मली बच्चों की ये टेंडेंसी रहती है, जो आता है वही करते रहते हैं। तो पर डे आपको कोई भी तीन चैप्टर्स के दो दो तीन तीन सम्स करने हैं, ताकि रोटेशन में आपका पूरा सिलेबस खत्म होगा। डू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यूज दिस वॉट एवर अवेलेबल डेटा। चैनल पे आप देखोगे लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्लू प्रिंट दी हुई है, पेपर स्टाइल दी है। क्यों? ताकि बच्चे प्रॉपर स्मार्ट प्रिपरेशन करें तो अच्छे मार्क्स लेके आए। तो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ब्लू प्रिंट्स, पेपर स्टाइल, सब चीज को फॉलो करना है। अभी अभी पेपर आप देखे आए हो तो आपको पता है कि किस तरह से वो सारी चीजें, कितने बच्चों के फोन और मैसेज आए, मैडम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से हमें बहुत हेल्प मिली, तो उसका फायदा उठाओ। अभी आप 2 घंटे पढ़ोगे, आपको ब्रेक लेना जरूरी है। कोई बच्चा 10 घंटे 12 घंटे एट अ स्ट्रेच नहीं बैठ सकता, क्योंकि ब्रेन को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, थोड़ा रिलैक्स मेथड चाहिए। सो इन द ब्रेक टाइम, ब्रेक छोटा लेना है, और फिर भी उस टाइम में भी आपको इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर, उसमें से सब्जेक्ट्स को लेने हैं, और उसका लिजर रीडिंग के रूप में आप देखते जाओ, करते जाओ। स्क्रीन टाइम तो सवाल ही नहीं, अभी स्क्रीन टाइम को छोड़ो, जितना हो सके कम्युनिटी से इंफॉर्मेशन लेके खत्म करो, ताकि लंबे लंबे वीडियो देखने का टाइम अब नहीं है। डू नॉट गेट डिस्टर्ब विथ अदर्स रिजल्ट एंड योर ओन प्रीलिम रिजल्ट। मेरा तो जो हुआ सो हुआ, वो 3 इडियट मूवी में दिखाया था, दूसरे के रिजल्ट से हमें तकलीफ ज्यादा रहती है, तो वो टेंडेंसी ठीक नहीं है। हमें अपने रिजल्ट से भी डिस्टर्ब नहीं होना है, दूसरे से भी डिस्टर्ब नहीं होना है। अप्लाई 1+1=11 स्टाइल, ये कौन सी नई बात हो गई? एक तो रीडिंग कर लिया, ऊपर से आपने नोट्स बना दिया। अगर रीडिंग और नोट्स दोनों फटाफट गो थ्रू करके हो गया, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। दूसरा, आप आते हो जाते हो तब भी आपका, हमने भगवान ने इतना अच्छा कंप्यूटर दिया है सर पे कि जिसकी तो कोई तुलना कर ही नहीं सकते। रिवाइज योर चैप्टर, आप तो जा रहे हो फिर भी उस टाइम को भी आप यूज कर सकते हो। तो ये सारे जो स्टाइल से काम करते हैं, उसे बोलते हैं 1+1=11 स्टाइल। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम दे पाओगे। अभी जो बच्चा रिविजन नहीं करेगा, उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। जो बच्चा सिस्टमेटिकली, ओके, लॉजिकली रिविजन अच्छे से करेगा, वो एक्सेलेंट रिजल्ट लेके जरूर आएगा। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड फॉलो द टिप्स विच आर गिवन टू यू, दैट डेफिनेटली हेल्प यू। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है अभी भी, तो आप उसका वीडियो देख लो, फटाफट उसे देख के समझ लो और आगे बढ़ो, ताकि आपका सारा रिविजन अच्छे से हो जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।